अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज एक और संजीदा मौजू की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं। खानापुर रेलवे स्टेशन से बच्चे को अगवा करने की वारदात पेश आई, उसे क्लोरोफॉर्म सूंघा कर बेहोश किया गया। खैर, समाज का बड़ा ही संजीदा मसला है जिस पर कभी भी तस्करे बहस मुबासे नहीं किए जाते। जिनका बच्चा अगवा हो जाता है या जिनके बच्चे को चोरी करके ले जाया जाता है, सिर्फ वही वालिदैन इसकी तकलीफ से गुजरते हैं। समाज में गरीबी इंसान को बद्दुआ की तरह होती है, ऐसा कहा जाता है। समाज में अमीर गरीबी की जो दरार है और मजीद तवील और शदीद होती जा रही है। एक तरफ अमीर लोगों के ऐश और आराम की जिंदगी, तो गरीब की सिसकती हुई जिंदगी जो दो वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करती रहती है। इस्लाम वाहिद मजहब है जिसने अमीर गरीब के तवाजन को बराबर करने की कोशिश की है, लिहाजा जकात को मालदार मुसलमानों पर फर्ज करार दिया गया है। मतलब आपके पास जो माल है वो आपने नहीं कमाया बल्कि उसे अल्लाह ने तुम्हें दिया और उसमें गरीबों का हक है। खैर, आज मौजू कुछ इस तरह का ही है। खानापुर रेलवे स्टेशन के करीब एक 8वीं स्कूल में पढ़ने वाला लड़का रेल की पटरियां पार कर रहा था। उस वक्त रेल में से दो शख्स आए और उन्होंने उस लड़के के मुंह पर रुमाल लगाया जिसमें क्लोरोफॉर्म लगाया हुआ था और फिर धीमी चलती रेल में उसे धकेल दिया गया। उस बच्चे को उन्होंने माजूर यानी हैंडीकैप के डिब्बे में सुलाया और खुद दूसरे डिब्बे में सफर करने लगे। लड़का गहरी नींद में था, यूं कहिए कि वह बेहोश हो गया था, पर जब धारवाड़ रेलवे स्टेशन आया तो उसे थोड़ा होश आया और रेलवे से बाहर आकर धारवाड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर किसी तरह पहुंच गया। लेकिन बेहोशी अब भी तारी थी, लिहाजा उसी प्लेटफॉर्म पर नींद के गलबे में वो सो गया। दूसरे दिन सुबह जब रेलवे प्लेटफॉर्म पर झाड़ू लगाने वाले मुलाजिम ने उसे बेदार किया, उसे उठाया और उसे कौन कहां से आया और क्यों सोया हुआ है सवाल पूछने पर इसने तमाम तफसीलात पेश किए। वालिद का नंबर भी इसके पास था, मतलब इस 12 साल के बच्चे को अगवा किया जा रहा था। वाज़ह है कि एक बार फिर बच्चे अगवा करने के गिरोह तकरीबन शहरों में सरगर्म होने की खबर गश्त कर रही है। हाँ, ये भी बात बताता चलूं कि दरमियान में बच्चे अगवा करने के गिरोह को लेकर कुछ अफवाहें गश्त भी कर रही थी। कुछ जगह पर लोगों को शक के बुनियाद पर मारा भी गया, यहां तक कि उनकी मॉब लिंचिंग की गई। लिहाजा कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको कोई तश्वीशनाक शख्स नजर आता है, पुलिस को इत्तला किया जाए। बेलगाम शहर और अतराब में 12 ऐसे वाकये से पहले भी पेश आए हैं। कर्नाटक में सबसे ज्यादा बच्चों को अगवा करने की वारदातों को दर्ज किया गया है। वैसे यूपी बिहार में बच्चे अगवा करने के मामलों में भी इजाफा हुआ है, इससे खबर हासिल है। यहां तक कहा जा रहा है कि कुछ गरीब घरों के बच्चों को मदरसों के नाम पर देहात करियों से अगवा किया जा रहा है। अब हो सकता है कि ये मदरसों को बदनाम करने की साजिश हो सकती है। हाल ही में गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 95 यानी कि अभी उस मामले को 4 महीने होने को आए, 95 बच्चों को दूसरे गांव ले जाते वक्त पकड़ लिया गया। इसी तरह कुछ आश्रमों में इस तरह बच्चे पाए गए हैं, ऐसी भी इत्तला हासिल है। इसके लिए कोई धर्म जात पात का मामला नहीं होता, जिसके बाद इन तमाम पर कार्रवाई भी की गई, ऐसा बताया गया। जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 14,000 बच्चों को बचाया गया जिन्हें अगवा किया गया था। काबिले गौर बात यह है कि बच्चों को अगवा करने की वारदातों में कर्नाटक सर फहरिस्त है। सिर्फ दक्षिण कन्नड़ जिले में ही पिछले 3 साल के अरसे में 350 बच्चे अगवा करने की रिपोर्ट बताई जा रही है। लापता होने वाले बच्चों में लड़कियों की तादाद ज्यादा बताई जा रही है। यूपी बिहार से भी ज्यादा कर्नाटक में बच्चों को अगवा करने की वारदातें पेश आई है। 2015 में 10,000 से ज्यादा बच्चों को लापता होने की बात कही जा रही है। फिलहाल 2024 में अब तक 1500 से ज्यादा बच्चे लापता हो चुके हैं जिन्हें दर्ज किया गया। अगर दर्ज नहीं किया गया, अगर आंकड़ा देखें तो वह और भी ज्यादा है। खैर, जिस तेजी से बच्चों को अगवा किया जा रहा है उसमें ज्यादातर बच्चों को किसी और देश में भेजा जाता है, इस तरह की भी बात सामने आई है, या फिर ज्यादा से ज्यादा इन्हें भीख मांगने के लिए सिग्नल पर वगैरह आप देख सकते हैं कि भीख मांगने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये तमाम एक गिरोह होते हैं, इसके पीछे एक लॉबी होती है। इन तमाम के दरमियान वालिदैन की जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। औलाद की कीमत उन लोगों को मालूम जिन्हें औलाद नहीं होती, पर कुछ वालिदैन औलाद को लेकर खुसूसन छोटे बच्चों को लेकर लापरवाह देखे जाते हैं। उसमें भी खासकर मुस्लिम समाज का रवैया बच्चों की परवरिश में लापरवाही ज्यादा ही देखी जाती है, ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। बच्चों को घर से बाहर जाने के बाद कहां जाता है और काफी वक्त तक न आने के बाद भी तवज्जो नहीं दी जाती। हमने कई बच्चों को तो वालिदैन के और खासकर माओं की लापरवाही से पानी की टंकी में मासूम छोटे बच्चे गिरकर मरने की वारदातें देखी है। छोटे बच्चों को दुकानों को भेजा जाता है और इसी वक्त अगवा करने वाले गिरोह गाड़ी, ऑटो या कार से इन्हें दबोच लेते हैं।
बच्चे क्या अहमियत रखते हैं सभी जानते हैं। बच्चे माँ बाप के लिए सरमाया होते हैं, इनका जीना मरना इन्हीं बच्चों की खातिर होता है, और इन बच्चों को कोई और अगवा करके इन्हें भीख मांगने के लिए माजूर बनाया जाता है, तो उस माँ पर क्या बीतती होगी, उस बाप पर क्या बीतती होगी जिसके लिए वो सुबह शाम अपनी जिंदगी अपना खून पसीना एक करता रहता है। जब अपने बच्चे को 9 महीने तक एक माँ कोख में पाल कर जन्म देती है तो उसकी क्या कैफियत होती होगी। कुछ लोग तो औलाद की खातिर न जाने कितनी जगहों पर जाते हैं, मन्नत मुरादों का एक दौर देखने को मिलता है और उस बच्चे को जालिम गिरोह आसानी के साथ उठा ले जाता है। बेलगाम के कई अस्पतालों में बच्चे चोरी की वारदातें पेश आई, जिसके बाद माओं का हाल दीवानगी की हद तक देखा गया। लिहाजा छोटे बच्चों की देखभाल जरूरी है। पहले चॉकलेट खाने की चीजें या कोई और लालच दिखाकर बच्चों को अगवा किया जाता था, पर अब दौर बदल गया है, अगवा करने के तरीके बदल गए। अस्पतालों से पैदा हुए बच्चे चोरी हो रहे हैं तो कुछ बच्चों को स्कूल से वालिदैन बुला रहे हैं कहकर, या वालिद की तबीयत ठीक नहीं है, या फिर झूठी कहानियां सुनाकर अगवा करने की नई नई तरकीबों के जरिए बच्चों को अगवा किया जा रहा है। हजारों मामले दर्ज हैं। कुछ अगवा हुए बच्चे खुशकिस्मती से मिल जाते हैं पर अक्सर नहीं मिलते, ये भी उतनी ही सच्चाई है। मदरसे के नाम पर भी कुछ बच्चों को लाया जाता है, ऐसी खबर भी यूपी पुलिस की जानिब से बताई जा रही है, ये भी उतना ही सच है कि मदरसों को बदनाम करने की एक मुस्तकिल कोशिश इस मुल्क में जारी है, खासकर यूपी का अगर कहा जाए तो गलत ना होगा, और इस तरह की कोशिश हुकूमतों की जानिब से की जा रही है, ये भी सच है। पर यह भी सच है कि गरीबी की वजह से बंगाल बिहार यूपी के कुछ देहात करियों से बच्चों को मदरसे के नाम पर लाकर कारोबार भी किया जा रहा है। अब देहात में गरीब वालिदैन को कुछ रुपये दिए जाते हैं या फिर वहां पर एजेंट मुंतखब किए जाते हैं, इस तरह की भी इत्तला हासिल है। खैर, यह खबर पूरी तरह से सच होगी कह नहीं सकते, लेकिन पूरी तरह से झुठला नहीं सकते, ये भी उतना ही सच है, क्योंकि आजकल मजहब के नाम पर रुपये कमाना आसान हो चुका है। लिहाजा बच्चों को अगवा करने के गिरोह सरगर्म हो चुके हैं, जिसमें खासकर ख्वातिनों का इस्तेमाल भी हो रहा है। मतलब ख्वातीन ही बच्चे छोटे बच्चों को कंधे पर डालकर चली जाती हैं, खेलते हुए बच्चों को उठा लिया जाता है और थोड़ी दूर पर गाड़ी रुकी हुई होती है, और ये खासकर उमूमन बड़े शहरों में थोड़ा कम है, लेकिन अगर देहात करियों में इस तरह की वारदातें ज्यादा हैं। वालिदैन को चाहिए कि खासकर घरों की ख्वातीनों को चाहिए कि घर या फ्लैट पर, अगर शहर की बात है तो कोई भी अजनबी कभी किसी का पता पूछने के बहाने आ सकते हैं, किसी कंपनी से होने की बात कह सकते हैं, या कोई चीज बेचने के बहाने घरों में दाखिल होते हैं। घरों की औरतों को नशे का रुमाल लगाकर बेहोश कर बच्चों को तो ले ही जाते हैं, पर घर में जो है वो भी चुरा कर ले जाते हैं। फिर सीसीटीवी या पुलिस मोकमा या कुत्तों को लेकर तलाश करने की नाकाम कोशिश की जाती है। उमूमन दूसरे शहरों से या रियासतों से ये लोग आते हैं, जिसे मुकामी लोगों का साथ रहता है पर मुकामी लोग पहचानते नहीं, ये भी उतनी सच्चाई है। कर्नाटक में बेलगाम के साथ गुलबर्गा, बेंगलोर, दक्षिण कन्नड़, दावणगेरे, शिमोगा, मैसूर में बच्चे अगवा करने की वारदातों में इजाफा होने की बात कही जा रही है। आज के मौजू का मकसद यही है कि मासूम बच्चों की अहमियत वालिदैन ही जानते हैं, बच्चों को लेकर सतर्क रहे, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे घरों के करीब ही कुछ ऐसे गिरोह घूम रहे हो। कोई तशवीशनाक हरकत अगर तुम्हें नजर आती है तो करीबी पुलिस थानों को या कम से कम मोहल्ले के जमात के जिम्मेदारों से राब्ता करें, उन्हें फोन करके बुलाए या उन्हें बताए। कोई मर्द नहीं है तो अड़ोस पड़ोस की किसी पहचान वाले को आवाज देकर बताए, फोन के जरिए पुलिस थानों को इत्तला पहुंचाए, और उन तशवीशनाक अफरादों की तस्वीर या वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि माँ बाप जिंदगी जीते ही है बच्चों के लिए। जब बच्चे जिंदगी जीने का जरिया है तो उनकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है, लापरवाही न बरते, यही आज का पैगाम। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मैं तो दुकान ट्राई करती तो मैं ट्रेन आली, ट्रेन असं जायचं याच्यामध्ये ते मग तो पाठीवरनं एक आला पोरगासारखा आणि यू मला असं पकडून आत घातला, म्हणजे ट्रेन जात होती त्या हँडिकॅपच्या डब्यामध्ये घातला। मग तिथनं मग मी भेसून होतो, मग मला जाग आली धारवाडमध्ये, धारवाडमधनं मी ट्रेनच्या बाहेर आलो, इकडं तिकडं बघितलो तर मला झोप कंट्रोल होत नव्हती, मी तिथं आणि झोपलो। तिकडे एक क्लिनिकचा स्टाफ होता तो येऊन मला उठवला आणि त्यांना फोन घेतलो मी, मग पप्पांना फोन लावलो, मग तिथनं मला ते पोलीस स्टेशनमध्ये घेऊन गेले, मग तिथं जिद्दी ते आले, मग त्यांनी घेऊन आले।